फैसला ईडी कर रही है, आदमी नहीं कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने के ऊपर न जाने ईडी ने कितने बार मतलब उनकी इंक्वायरी की, हर बार उनको मफलर मिला। अगर साथ शायद इतने ही साफ सुथरे महाराष्ट्र के सारे नेता होते तो आज ईडी का डर नहीं होता, प्रमाणिक तरह से वो जनता का काम कर रहे होते। तो जो महाराष्ट्र में जो शिवसेना के विधायक टूट करके शिंदे के साथ गए हैं, उसमें से काफ़ी लोगों का तो ईडी का डर है, लेकिन कुछ लोगों को जिनको ईडी का डर नहीं उनको पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे के भी लालच दिया गया है और ये पूरा खेल बीजेपी के सह पर किया गया है। नेता तो गुवाहाटी, गुजरात से गुवाहाटी जाके मौज मस्ती कर रहे हैं, होटल में पर डे का भी लाखों रुपए खर्चा हो रहा है, आपको भी पता होगा। तो ये सब पैसे की जो बर्बादी है वो ना हो, बल्कि उसका सदुपयोग जनता के प्रति हो। ईडी का डर तो उसी को होगा ना जिसने भ्रष्टाचार किया हो। अभी मैंने उनमें से एक नेता का भाषण सुना जिसमें वो क्या कह रहे थे कि आमच्यासाठी फक्त शिव वडा पाव आणि जे दुसरे आहेत जो उनके महागाड़ी में एक साथ में थे उनके लिए 10-10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। तो ये शब्द आया कैसे, और ये चीज़ों के मतलब आप अगर इस चीज़ों को गौर से देखेंगे तो सारा का सारा खेल सत्ता में रहकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मलाई खाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सुहा जी, बीजेपी पे आप सीधा सीधा ब्लेम कर रहे हैं। बीजेपी के जितने भी शीर्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो बार बार अपना स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये शिवसेना का इंटरनल मामला है। आपने बोला ये बात, आपने सुना भी होगा शिंदे जी का भी, कि हमारे ऊपर बाहुबली का हाथ है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से इशारा दिया कि किसके बल पे वो कर रहे हैं। बाहुबली बोला उन्होंने, बीजेपी तो नहीं बोला ना उन्होंने। आज के टाइम में बाहुबली बीजेपी ही है उनके लिए, दूसरा कोई बाहुबली नहीं है। और आने वाले समय में इस तरीके के लोगों को नेता चुन कर ना दें, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। स्वच्छ राजनीति हो, अच्छी राजनीति हो और जनता के हित में राजनीति हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। सुखदेव जी, ज़्यादा वो नहीं, सीधा सीधा सवाल। पिछले 4-5 दिन से जो महाराष्ट्र में घमासान चल रहा है, यहाँ तक बात आ गई है कि शिवसेना किसकी, यहाँ तक आज तो कई जगह आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुए, इस पे आपका क्या संदेश होगा, किस नज़रिए से आप इस पॉलिटिक्स को देखते हैं? जिस तरीके की राजनीति अभी महाराष्ट्र में चल रही है, तो सत्ता हासिल करने के लिए ही सारी राजनीति चल रही है। जनता जो इनको विश्वास से वोट देती थी और कल वो विश्वासघात करके किसी और पक्ष में जाकर अपना समर्थन जाहिर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता के साथ भी धोखा है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी राजनीति है, अगर प्रमाणिक तरह से राजनीति नहीं होती है तो राजनीति इसी तरीके से ही जो है सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता जो है, जो हम लोग पहले से कहते आए हैं कि राजनीति जो भी अभी जिस हालात में है वो सिर्फ सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता की राजनीति है, ये कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए। और जिस तरीके का अभी, क्योंकि जो सत्ता में रह चुके लोग हैं और जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ताओं का अपना कहीं ना कहीं गुस्सा तो जाहिर होगा, लेकिन हमको महाराष्ट्र के अंदर जो है वो दूरदृष्टि रखते हुए आने वाले समय में इस तरीके के लोगों को नेता चुन कर ना दें, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। स्वच्छ राजनीति हो, अच्छी राजनीति हो और जनता के हित में राजनीति हो, इसके ऊपर हमें। आम जनता को क्या पता रहता है कि वो जिन्हें वोट दे रहे हैं वो कल हमारे तकदीर का फैसला खुद अकेले कर लेंगे, क्योंकि अगर एक शिवसेना एक पार्टी थी, शिवसेना के बैनर के तले जो लोग भी जीत के आए वो शिवसेना की आइडियोलॉजी को मानते होंगे, इसलिए जीत के आए, और उस वक्त उसका जो नेतृत्व था वो उद्धव ठाकरे जी कर रहे थे। अब यहाँ पे एक इलाके के पूरे लोगों का मतलब, एक बोलते हमने 50,000 अगर लोगों ने वोट दिया तो उस 50,000 वोट के जो हमने जिसको भी दिया उसका फैसला सिर्फ एक आदमी कैसे कर सकता है? फैसला ईडी कर रही है, आदमी नहीं कर रहा है। अगर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जैसे प्रताप सरनाइक ईडी को लेकर किस तरीके से गुहार लगा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहले से संकेत कर रहे हैं कि आप ना अगर उनके साथ बीजेपी के साथ चले जाओ वरना हम सभी लोगों की ये हाल होगी। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी तरह से आपको जो आज दृश्य नज़र आ रहा है इसमें ईडी का सबसे बड़ा हाथ है, और ये सारे के सारे जो है वो ईडी से डर के मारे जो है वो एक अपना पक्ष बनाकर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। और बीजेपी की जो सत्ता हासिल करने की आपने देखा होगा गोवा में, तो बीजेपी किसी भी हाल पर और किसी भी स्तर पर गिरकर अपनी सत्ता हासिल करना चाहती है, बस ये इसी का प्रमाण है। एक सवाल,
तो 35 से 40 MLA चले गए, क्या सबके सब भ्रष्ट हैं? भ्रष्ट नहीं, लाल ईडी का डर तो उसी को होगा ना जिसने भ्रष्टाचार किया हो। अभी मैंने उनमें से एक नेता का भाषण सुना जिसमें वो क्या कह रहे थे कि आमच्यासाठी फक्त शिव वडा पाव आणि जे दुसरे आहेत जो उनके महाआघाडी में एक साथ में थे उनके लिए 10-10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। तो ये शब्द आया कैसे? और ये चीज़ों के मतलब अगर इस चीज़ों को गौर से देखेंगे तो सारा का सारा खेल सत्ता में रहकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मलाई खाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हर एक आदमी, हर एक नेता अपना वर्चस्व रखने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। जिस तरीके से, जैसे मैं भी आम आदमी पार्टी का हूँ, तो अरविंद केजरीवाल ने के ऊपर न जाने ईडी ने कितने बार मतलब उनकी इंक्वायरी की, हर बार उनको मफलर मिला। अगर साथ शायद इतने ही साफ सुथरे महाराष्ट्र के सारे नेता होते तो आज ईडी का डर नहीं होता, प्रमाणिक तरह से वो जनता का काम कर रहे होते। क्या नाम है सर, और ईडी का कितना योगदान है इस महाराष्ट्र की उथल पुथल में? मेरा नाम रघुनाथ कुशवाहा है, और ईडी का जहाँ तक सवाल है, देखिए ईडी से तो वही डरेगा जो भ्रष्ट होगा। तो जो महाराष्ट्र में जो शिवसेना के विधायक टूट करके शिंदे के साथ गए हैं उसमें से काफ़ी लोगों का तो ईडी का डर है, लेकिन कुछ लोगों को जिनको ईडी का डर नहीं उनको पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे के भी लालच दिया गया है। और ये पूरा खेल बीजेपी के सह पर किया गया है। मैं तो इन लोगों से यह गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जितना एनर्जी अपना और जितना बुद्धि सरकार बनाने और बिगाड़ने में लगते हो, विशेष करके बीजेपी के लोगों से बोलना चाहता हूँ, उतना अगर दिमाग और बुद्धि आम पब्लिक के लोगों के हित में काम करने के लिए, जैसे मीरा भाईंदर नगर पालिका में स्कूल की जो व्यवस्था है बहुत जर्जर है, हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है बहुत जर्जर है, आम पब्लिक परेशान है, करप्शन इतना ज़्यादा है, उसको सुधारने में आप लगते हो तो जनता उसी तरह से आपको चुन के भेज देती है। सुहा जी, बीजेपी पे आप सीधा सीधा ब्लेम कर रहे हैं। बीजेपी के जितने भी शीर्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो बार बार अपना स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये शिवसेना का इंटरनल मामला है। आपने बोला ये बात, आपने सुना भी होगा शिंदे जी का भी, कि हमारे ऊपर बाहुबली का हाथ है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से इशारा दिया कि किसके बल पे वो कर रहे हैं। बाहुबली बोला उन्होंने, बीजेपी तो नहीं बोला ना उन्होंने? आज के टाइम में बाहुबली बीजेपी ही है उनके लिए, दूसरा कोई बाहुबली नहीं है। और फणवाडी साहब से पूरा उनको सह मिला हुआ है कि इसको आप तोड़ के आओ, हम आपको समर्थन देंगे, आप सरकार बनाना। आज जो महाराष्ट्र में मतलब कहीं ना कहीं कुछ जगह मतलब हिंसा ही हो रही है, इसको यही कहेंगे, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, ये स्थिति कैसे संभलेगी? क्या सोचते हैं आप ये 4-5 दिन से अगर आप देख रहे होंगे तो? देखिए, ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक रोष है, शिवसेना जैसे उद्धव जी ठाकरे हैं उनके से जुड़ा हुआ है, बाला साहेब ठाकरे जी के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों में एक उनके प्रति एक आदर है, सम्मान है। और लोग अगर देखते हैं कि हमारा नेता अगर बाला साहेब ठाकरे जी के साथ अगर धोखा करता है तो कहीं ना कहीं उनका सेंटिमेंट हर्ट होता है, तो थोड़ा वो गुस्सा जाहिर करता है। तो उद्धव जी को आगे आना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि ये सब तोड़फोड़ आगजनी जो है, ये कोई इसका समस्या का समाधान, उद्धव जी तो ऐसा बोल रहे हैं, उनको करना चाहिए। जो उनके और भी जो लोकल जो शाखा प्रमुख हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी थोड़ा सा एक अपने आप को दिखाना होगा कि नहीं, ये सब चीज़ें से कुछ होने वाला नहीं है, जो भी होगा वो अपना बैठ के समझ लें, और जो भी महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संकट अभी उभरा है उसको कैसे भी करके उसको संभालें, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान जनता का हो रहा है। नेता तो गुवाहाटी, गुजरात से गुवाहाटी जाके मौज मस्ती कर रहे हैं, होटल में पर डे का भी लाखों रुपए खर्चा हो रहा है, आपको भी पता होगा। तो ये सब पैसे की जो बर्बादी है वो ना हो, बल्कि उसका सदुपयोग जनता के प्रति हो। क्या लगता है सरकार कौन बनाने में सफल होगा? जिस तरीके का दबाव बनाकर जो सत्ता हासिल करने के लिए की जा रही है, अभी हम लोगों ने तो देखा है काफ़ी जगह पर बीजेपी इसी तरीके से सत्ता हासिल की है। अभी देखते हैं कि बाकी जो नेता हैं उनका विवेक, उनको अपने आत्म से सोचना चाहिए कि उनका सही देश का हित कहाँ है, महाराष्ट्र का हित कहाँ है, और उसी तरफ पे उनको जाकर कहा नहीं जा सकता अब किसकी सत्ता आएगी, क्योंकि महाआघाड़ी के अंदर जो बड़े बड़े राजनीति लोग हैं जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र को लीड किया है, उनका अभी तक जो है वो पूरी तरह से खुलकर सामने आना बाकी है। चलिए, शिवसेना का साफ साफ अल्टीमेटम है, हम लड़ेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से
वो सारे इसको खड़ा करेंगे। शिवसेना को हम, शिवसेना पार्टी को हम बिखरने नहीं देंगे। शिवसेना से जितने भी बागी विधायक गए हैं, जो बागी हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो अगर उस हिसाब से अनुमान लगाया जाए कि अगर इनके जो 16 नेताओं पे कार्रवाई की मांग की गई है, अगर वो कार्रवाई नहीं हो पाती है टेक्निकल के हिसाब से, कानून के हिसाब से, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता जो है बागी विधायकों और बीजेपी के गठबंधन से बन सकता है। आगे थोड़े दिन में, यानी 2-4 दिन, मैक्सिमम हफ्ते दिन में ये बातें क्लियर हो जाएगी कि सत्ता कौन बना रहे हैं। सत्ता जिसकी भी बने, जैसी भी बने, सिर्फ आम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो बोझ होता है आम लोगों के ऊपर, जो बोझ हमेशा डाला जाता है, उससे नेताओं को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और खुद का मतलब चुन के कहीं से आए और फैसला करने के वक्त जो है अकेले फैसला कर ले, ये भी कहीं सही नहीं है। तो अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।